अपडेट आ रहा है दर्शकों को वो बता दे, नूह हिंसा पर हरियाणा पुलिस ने बड़ा बयान दिया है। एडीजी ममता सिंह ने कहा है हिंसा वाले इलाके में 9 एसपी कैंपेनिंग कर रहे हैं। मेवात में फोर्स के साथ फ्लैग मार्च किया जा रहा है ताकि माहौल में शांति फिर से वापस बहाल की जा सके। मोनू मानेसर के एंगल से भी जांच जारी है। मोनू मानेसर का जो वीडियो पहले वायरल हुआ था रविवार को, उसको लेकर के जब सवाल हमारे सहयोगी मोहित ओम ने पूछा तो ये जवाब एडीजी ममता सिंह ने दिया कि उसको लेकर के भी उस एंगल से भी जांच की जा रही है, लेकिन फिलहाल कोशिश यही है कि पहले इलाके में जो शांति है वो बरकरार हो सके और उसके बाद जो आरोपी है उन पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। मेवात में एक सवाल गूंज रहा है, मोनू मानेसर क्या इसका रोल था? क्योंकि जिस तरह के वीडियो सामने आए थे, मोनू मानेसर के वीडियो हमने देखे थे, पुलिस के संज्ञान में वीडियोज होंगे और उसके विपक्ष में भी वीडियो आए थे कि अगर वो हिंसा यात्रा में शामिल होता तो हिंसा होना तय है। क्यों ये इनपुट कहीं ना कहीं फेलियर रहा, इंटेलिजेंस फेलियर रहा आप लोगों का कि इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाए? देखिए मैं इसको ये नहीं कहूँगी इंटेलिजेंस फेलियर है, ठीक है। अगर जैसे ही वीडियो आया था, काफ़ी भड़काऊ वीडियो था, काउंटर वीडियो भी आया है, तो पुलिस ने दोनों पर इमीडिएटली एक्शन लिया था, फोर्स की डिप्लॉयमेंट की थी। उसके बाद में परिस्थिति कब किस मोड़ पर कब परिस्थिति एकदम हाथ से निकल जाए, कुछ चीज़ें आप लॉ एंड ऑर्डर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। अब वो तैयारी कम थी ज़्यादा थी ये एक विश्लेषण का विषय है। इंटेल पे कितना काम हुआ, पूरा सफिशिएंट था, अगेन ये विश्लेषण का विषय है जिस पे अभी तक कोई विश्लेषण हुआ नहीं है, तो आज कुछ भी कहना मेरे लिए मुश्किल है। विश्व हिंदू परिषद कल दावा कर रहा था 25,000 लोग यात्रा में शामिल हो रहे हैं, वो संवेदनशील इलाकों से होकर यात्रा गुजरनी थी, तो क्या 750 पुलिसकर्मी उनके लिए पर्याप्त थे? क्योंकि 750 को भी एक जगह पर नहीं थे, अलग अलग जगह पर डिप्लॉय हो रखे थे वो। जी देखिए ऐसा है, 25,000 का उनका दावा था, पर ग्राउंड पर एक्चुअली कितनी फोर्स होती है और कितनी भीड़ इकट्ठी होती है उसका भी एक हमारा एस्टीमेट आता है। एस्टीमेट के हिसाब से फोर्स की डिप्लॉयमेंट की जाती है। ऐसा नहीं कि यह यात्रा पहली बार हुई है, यात्राएं पहले भी हुई हैं और होती रही हैं और बड़े शांतिपूर्ण माहौल में हुई हैं और पहले भी यही फोर्स थी जो उसको पीसफुली करती थी। इस बार परिस्थिति क्यों बिगड़ी, एक जाँच का विषय है जिसके बाद ही कोई इस बारे में ओपिनियन कायम की जा सकती है कि क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर था या सफिशियंट फोर्स नहीं थी या कैलकुलेशन गलत था, वो एक विश्लेषण करने के बाद ही उस पर कोई राय कायम की जा सकती है। आज कुछ भी कहना गलत हो जाएगा। मैंने हिंसा का पहला पत्थर चलते हुए देखा जो नल्लड़ मोड़ पे था, मैं मौके पर मौजूद था। एक पत्थर पड़ने के 15 मिनट बाद पूरा मेवात जलने लगा, क्या कारण था, ऐसी क्या व्यवस्था थी कि पूरा मेवात एकदम जलने लगा, मेवात के बादल में सिर्फ धुआं धुआं हमें नजर आने लगा? देखिए इसका मैं ये कह सकती हूँ, जो आपने कहा फोर्स डिप्लॉयड होती है, सेंसिटिव इलाकों के रूट्स के अकॉर्डिंग फोर्स का डिप्लॉयमेंट होता है, कोई हुजूम बना के एक जगह नहीं होती है। परंतु आपको पता है कि जब इस तरह की कोई अफवाहें फैलती हैं या कोई इस तरह की परिस्थितियां होती जंगल में आग की तरह फैलती हैं। थर बरसाती भीड़, सड़क पर धधकते शोले, तस्वीरें हरियाणा के नूह जिले की हैं, जहां धार्मिक यात्रा में जमकर बवाल हुआ। सावन के चौथे सोमवार के मौके पर यहां शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, भक्त नलहड़ शिव मंदिर में जलाभिषेक करने जा रहे थे। इसी दौरान विशेष समुदाय के लोगों ने पहले तो पत्थरबाजी की, कई जगहों पर गाड़ी में तोड़फोड़ की गई, कई गाड़ियों को आग के हवाले किया गया। फिलहाल नूह में फोर्स तैनात कर दी गई है, अर्धसैनिक बलों की 15 कंपनियां तैनात की गई हैं, हरियाणा पुलिस ने भी कमान संभाल ली है। हमने केंद्र से भी बात की है, वहां से भी एयर ड्रॉप 3 कंपनियां हम करने जा रहे हैं लोगों को रेस्क्यू करने के लिए। इसी हिंसा के बीच एक डराने वाली तस्वीर और सामने आई जिसमें एक मंदिर में कुछ भक्त फंस गए। वीडियो नूह के नलहड़ मंदिर का बताया जा रहा है, यहाँ करीब 25 लोग फंसे थे। नूह में 3 दिन के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है, धारा 144 लागू कर दी गई है, इसके साथ ही कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ जागरूक भारत।